झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर तख्ती लिए झारखंड विधानसभा के परिसर में खड़ी हुई है। आपको दिखा सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, इनका यही कहना है ये सरकार छलने का काम करी। आपने सही कहा कि कल सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पेश की है और उसको भी लेकर इनका कहना है कि वो सिर्फ चुनावी बजट था। फिलहाल देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि जेएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अलग अलग तख्ती लिए तमाम जो विधायक वो झारखंड विधानसभा के परिसर में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि ये सरकार सिर्फ वादा खिलाफी की है, ये सरकार सिर्फ युवाओं के साथ छलने का काम की है। 5 लाख नौकरियां कहाँ है, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि बीजेपी मुद्दाहीन हो गई है, सरकार तमाम कार्य यहाँ पर कर रही है लेकिन बीजेपी के समक्ष ये रख रही है कि ये सरकार कुछ भी कार्य जो है वो नहीं किए। फिलहाल देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक है वो एक साथ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये सरकार आखिर छात्र और यहाँ के नौजवानों के साथ क्या कर रही है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, आज का सत्र भी काफ़ी हंगामेदार होने वाला है क्योंकि इससे पहले भी वेल पे कई जो विधायक हैं वो पहुंच गए थे और उनका यही कहना था कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने सिर्फ युवाओं के साथ छलने का काम किया। इसके साथ ही चंपई सरकार को लेकर इनका कहना है कि हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अच्छा काम करें, ऐसा बीजेपी के विधायकों का कहना है। फिलहाल देखिए किस तरीके से नारेबाजी जो है वो चल रही है और हमारे साथ बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल है लेकिन फिलहाल देखिए किस तरीके से विधायकों का जो नारेबाजी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छात्रों के हित में लगातार बीजेपी विधायक जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन हो गया है लेकिन हमें उससे उम्मीद नहीं है। तो कह सकते हैं सीबीआई जांच की मांग विधायक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कई विधायक हमारे साथ मौजूद है। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल कैलाशपुरम, नियर मेम को मोड़ धनबाद, एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट Complete Solution Institute.